हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं हूं डॉक्टर शिखा गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही अमेजिंग सी सैलेड की रेसिपी चिकन सैलेड की रेसिपी गाइस सैलड्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुपर होते हैं वेट लॉस के लिए और ख़ास करके अगर वो चिकन सैलड हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में क्योंकि ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है आपको बहुत फुल भी रखता है और साथ ही साथ में ये वेट लॉस के लिए भी अमेजिंग है आपके जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर देता है तो इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ चिकन ब्रेस्ट का जो कि एक लीन प्रोटीन है लीन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है तो जो चिकन ब्रेस्ट होता है वो वेट लॉस के लिए सुपर है तो अगर हम बात करें हंड्रेड ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट की तो इसमें अराउंड थर्टी ग्राम्स प्रोटीन होता है अराउंड थ्री पॉइंट फाइव ग्राम्स फैट होता है और बिल्कुल जीरो काब होता है तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइज तो ये ए वाइटमिन और बी वाइटमिन में काफ़ी रिच होता है इसके अंदर जिंक और आयरन कंटेंट भी काफी अच्छा होता है कैल्शियम और फास्फोरस रिच होता हो है आपकी बोन्स के लिए अच्छा होता है विटामिन बी ट्वेल्व रिच होता हो है क्योंकि बहुत सारे लोगों में आजकल विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी है तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इसको जरूर इंक्लूड करिए अपने डाइट में ये एक लीन प्रोटीन है इसीलिए आपको मसल गेन करने में हेल्प करता है इसीलिए आपका बॉडी का फैट लॉस करता है वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी बहुत देर तक आपको सेशिएटेड रखता है फुल रखता है बहुत देर तक भूख नहीं लगने

तो आप एकदम से हैप्पी हो जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंक्लूड करिए आप अपनी डाइट में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कैसे बनाना है अपना सुपर ईजी सुपर सिंपल और यमी चिकन सैलड चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ चिकन सैलड बनाने के लिए सबसे पहले बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ले लिया है मैंने 150 फिफ्टी ग्राम्स है ये इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने अब इसको मैरिनेट कर देते हैं सबसे पहले हम चिकन प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर ये गार्लिक पाउडर है आपके पास नहीं हो तो आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं ये पेरी पेरी पाउडर है थोड़ा सा जिजे गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा लेमन जूस अब इन सारी चीजों को अच्छे से रब कर देंगे चिकन के ऊपर कोट कर देंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे हम अराउंड फिफ्टीन मिनट्स टू हाफ एन आवर के लिए अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने फ्लेम यहाँ पे हमारी बिल्कुल फुल पर है और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लूंगी ग्रिल पैन पर और ये चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल तवे के ऊपर भी इसको आ, कुक कर सकते हैं बहुत इजीली। अब सारे चिकन पीसेस को मैंने स्प्रेड कर दिया और जो मैरिनेट है इसको भी इसके ऊपर डाल दूंगी मैं फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल फुल पर है और एक मिनट के लिए एक साइड से हमने कुक कर लिया है सिर्फ वन मिनट के लिए और अब इसको टर्न कर देंगे हम दूसरे साइड पर अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो टू मीडियम और एक लिड लगाकर पैन को कवर कर देंगे और चिकन को कुक होने देंगे नियर अबाउट एट टू टेन मिनट्स बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर बीच बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं कि चिकन कहीं जल तो नहीं रहा है अब अराउंड टेन मिनट्स हो गए हैं चेक कर लेते हैं चिकन हमारा दूसरे साइड से भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है अब इसको टर्न कर रही हूं मैं और अराउंड वन टू टू मिनट्स और हम दूसरे साइड से कुक होने देंगे देख लेते हैं देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया है दूसरे साइड से भी अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है अब हम अपना सैलड प्रिपेयर कर लेते हैं अब यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है मैंने वन स्पून ऑयल डाल रही हूं इसमें वाइट सेसमे सीड्स ले रही हूँ सफेद तिल थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक लसन इसको थोड़ा सोटे कर लेंगे लाइट ब्राउन हो जाएंगे जब ये तो यहाँ पे क्यूब्स में मैंने अनियंस कट कर लिए हैं ये डाल देंगे चॉप्ड ब्रोकली इसको थोड़ा सा सोटे कर देंगे चॉप्ड कैप्सिकम ले रही हूँ येलो बेल पेपर रेड बेल पेपर इन सबको बड़ा साइज में चॉप करा है मैंने और इसको अच्छे से सोटे कर लेंगे और मिक्स कर देंगे बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना ये थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती है चॉप्ड मशरूम ले लिए हैं मैंने अगर आपके पास घर पे कोई भी वेजिटेबल ना हो इनमें से तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और बाकी सारी वेजिटेबल्स को सॉटे कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और यहाँ पे डाल रही हूं मैं थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा लेमन जूस दैट्स इट बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम और अब इसमें डाल देंगे हम अपने चिकन पीसेस जो हमने ग्रिल करके रखा था चिकन और कट कर लिया था उनको स्लाइसेस में वो हम इसमें मिक्स कर देंगे अब इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग डाल रही हूँ मैं और थोड़े से चिली फ्लेक्स दैट्स इट इसको मिक्स कर देंगे एंड दैट सिंपल गाइज बन के रेडी हो गया है हमारा चिकन सैलेड और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है इसको सर्व कर देंगे एक प्लेट में आप 150 ग्राम्स चिकन खा सकते हैं एक बार में और इसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं लंच में ले सकते हैं या फिर डिनर में भी ले सकते हैं बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये वेट लॉस के लिए और मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है जस्ट लुक एट दिस कितना ब्यूटिफुल एंड गॉर्जिस सैलेड है ये और बहुत ही ज्यादा फिलिंग है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो so गाइज ये था हमारा सुपर डिलिशियस ब्यूटिफुल कलरफुल चिकन सैलेड की रेसिपी इसको आप जरूर बनाइए 200% आपको ज़रूर पसंद आएगा और आ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन जाता है कुछ भी नहीं करना इसमें बहुत सिंपल है आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं लंच में खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं डिनर का बहुत सुपर ऑप्शन है ये मैं इसको अपने डिनर में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो ये बहुत ही अमेजिंग सोर्स है प्रोटीन एंड वाइटमिनस का आ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और ख़ास करके आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगा अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो बेनिफिशियल हो तो इसको थम्स अप ज़रूर देना ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि ऐसी रेसिपीज़ यूज़ करके भी हम वेट लॉस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से करिए सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ और बहुत ही अमेजिंग से डाइट प्लान्स जो आपको देंगे सुपर फैंटेस्टिक वेट लॉस अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे वहां जरूर फॉलो करिए ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिलती हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए सेट यून टू माई चैनल बाय नाउ